श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे घर में लहसुन का इस्तेमाल खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है और आयुर्वेद में भी लहसुन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लहसुन ऐसी वस्तु है, ऐसी औषधि है जो कई गुणों से भरपूर है। लहसुन से कई बीमारियों का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। कच्चा लहसुन खाने से कई बीमारियां नष्ट होती हैं। लहसुन कई बीमारियों को, रोगों को दूर करने की क्षमता तो रखता ही है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है कि लहसुन धन खींचने की चाबी बन चुका है, क्योंकि लहसुन में इतनी शक्ति होती है कि वे आपके घर लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। आप अगर धन की कमी रखते हैं, कई लोग हैं जो चाहते हैं कि जितनी मेहनत करते हैं उतना ही धन मिल जाए। कई लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उतना धन नहीं कमा पाते हैं जितना उनसे उम्मीद रहती है। कई बार ऐसे भी घरों में आपने देखा होगा कि कमाई तो खूब होती है लेकिन धन टिकता ही नहीं है। मेरे साथियों, धन की चाहत किसे नहीं होती? सभी लोगों को होती है धन की चाहत। तो धन की चाहत रखने वाले लोगों को लहसुन का यह उपाय अवश्य करना चाहिए जो हम आज बता रहे हैं। दोस्तों, कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, कई बड़े बड़े ज्योतिषियों ने भी लहसुन का उपाय बताया है। उन्हीं उपायों में से एक छोटा सा उपाय आपको करना है। अपने घर की रसोई से थोड़ा सा लहसुन लेकर के आपको ये उपाय कभी भी किसी भी दिन कर लेना है। आपको निश्चित होकर के यह उपाय करना है। ये कोई टोना टोटका नहीं है, बिल्कुल पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों में से है। जैसे प्रदीप जी मिश्रा जी ने लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए काली मिर्च का उपाय बताया था। अब देखिए, रसोई में रखी हुई चीजें बहुत बेशकीमती होती हैं, लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं होता है। काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है। अब बताइए, क्या ये कभी किसी को पता था? बहुत कम लोगों को पता था। ठीक वैसे ही लहसुन का उपाय हम बताने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, धन कमाना कौन नहीं चाहता? धन के अभाव में सभी लोग निराश हैं। जिसके पास धन है वह भी और अधिक धन प्राप्त करना चाहता है। आजकल हर व्यक्ति धन के लिए, अपनी हर एक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऐसे ऐसे उपाय करते हैं जो कोई भी बता देता है, लेकिन कारगर उपाय वही होता है जो आप सिद्ध करके पाते हैं, आपसे स्वयं हो पाए, आप खुद की क्षमता से वो उपाय कर पाए। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर वो उपाय क्या है। तो दोस्तों, आपको किसी भी दिन शनिवार का दिन चुन लें या फिर आप कोई भी दिन चुने, लेकिन शनिवार का दिन ही इस उपाय के लिए बेस्ट रहता है। ध्यान रहे दोस्तों कि आपको इस उपाय को रात्रि के समय करना है। रात्रि में आप एक घी का दीपक जला लें। घी के दीपक को आप अपने घर के मंदिर में रखें और एक कली लहसुन के ले लें और उसका छिलका बिल्कुल ना उतारें। लहसुन सरी गली नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लहसुन साफ सुथरी ही होनी चाहिए, उसकी सिर्फ एक कली चाहिए, छोटी सी, और कुछ नहीं चाहिए हमें। अब उस पर आप हल्दी लगा लें। हल्दी गीली करके लगाना है और उसे माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दें और दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलें और रात भर उस लहसुन की कली को माता के चरणों में रखे रहने दें। अगले दिन उठाकर उसे अपने पर्स में रख लें। आप जिस जगह पर अपना धन एकत्रित करके रखते हैं, अर्थात हर किसी के घर तिजोरी तो नहीं होती है, आप जहां भी अपना धन एकत्रित करके रखते हैं वहां पर रख सकते हैं उस लहसुन की कली को। या फिर अगर कोई घर का बुजुर्ग या फिर कोई पुरुष इस उपाय को कर रहा है तो वो अपने पर्स में रखें, ताकि नौकरी पे जाए तो वहां से उसकी तरक्की मिलती रहे और उससे लक्ष्मी आती रहे। उसके पास आप देखेंगे कि एक सप्ताह में ही आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेंगी। गारंटी है कि आपके पर्स में जब तक वह लहसुन की कली रहेगी, आप लक्ष्मी हमेशा देखते रहेंगे। आपके घर में लक्ष्मी रहेंगी। आप जो चाहे वह खरीद सकते हैं। आप जो खरीदना चाहे वो खरीद ले। आपके घर में कभी पैसा कम नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा इसी चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।